नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, हम लोग सभी डे टू डे लाइफ में पेमेंट करते हैं। जो भी बिजनेसमैन है उसको तो खासकर हमेशा ही पेमेंट करना पड़ता है, चाहे वो आप अपने एम्प्लॉई का सैलरी दें, या मान लीजिए किसी कोई सामान ले रहे हैं उसका पेमेंट दें, या कोई सॉफ्टवेयर ले रहा है उसका पेमेंट दें, या कोई रेंट मांग रहा है आपका जहाँ पे ऑफिस आपने लिया हुआ है उसका पेमेंट दें। तो बहुत सारे समय आपको चेक में पेमेंट देना होता है। पहले तो ये काफ़ी कॉमन था कि जब ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी तो ज़्यादातर लोग चेक में ही पेमेंट देते थे, मगर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो चेक में ही पेमेंट देने को ज़्यादा साइंटिफिक समझते हैं और अच्छा समझते हैं। तो इसमें हमेशा आपने देखा होगा कि चेक जब भरा जाता है अमाउंट लिखने के बाद, ओनली जो लिखना होता है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ओनली लिखने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि मान लीजिए आपने किसी को चेक दिया और अमाउंट लिख के आप ऐसे ही छोड़ देते हैं और पीछे ओनली नहीं लगाते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, आपके साथ बाद में कोई गलत व्यवहार भी हो सकता है, या हो सके वो आदमी उसके पीछे कुछ वर्ड लगा के ज़्यादा पैसा आपके अकाउंट से निकाल सकता है या अपने अकाउंट में ले सकता है। यही कारण है कि अभी भी जब किसी को चेक दिया जाता है, चाहे वो करंट अकाउंट का चेक हो, चाहे वो सेविंग का चेक हो, चाहे आप किसी पर्सनल को दे रहे हैं या किसी काम से दे रहे हैं या अपने बिजनेस में पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं, किसी को भी कर रहे हैं, तो चेक का जो वर्ड में आप लिखते हैं अमाउंट, तो उसके लास्ट में ओनली ज़रूर लिखें, ताकि मान लीजिए किसी को भी अगर ये चेक मिले तो ओनली लिखा रहेगा तो उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि वो इसका मिसयूज़ कर पाए या इसका दुरुपयोग कर पाए, क्योंकि ऐसा कॉमन है। पहले बहुत बार देखा गया है, ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने चेक साइन करके दे दिया मगर ओनली नहीं लिखा, जिसकी वजह से बाद में उस आदमी ने अमाउंट बढ़ा के उसमें लिख के ज़्यादा पैसा निकाल लिया। तो ऐसे ठगी या इस तरीके का कोई भी धोखाधड़ी आपके साथ ना हो, इसलिए कभी भी आप चेक दें तो पहले अपना जो भी अमाउंट है उसको भरें और लास्ट में ओनली ज़रूर लिख दें। देखिए, सुरक्षित रहना हमारी खुद की जिम्मेवारी है। बैंक तो मान लीजिए क्या करेगा, बैंक तो आपने लिख के दिया है तो वो तो दे ही देगा उसको पेमेंट। अगर ओनली आप नहीं लिखते हैं तो वो हमारी चूक है, आपकी चूक है, तो हमारी गलतियों की वजह से किसी को फ़ायदा ना मिले या कोई फ़ायदा ना उठाए, इस वजह से ये सारा सिस्टम बना हुआ है। आशा करता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारा काम करते हैं तो ये सब टॉपिक भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सबको बिजनेस में पेमेंट देना लेना सबका काम होता है। तो ऐसे नियम कानून थोड़ा जान जाइएगा, जो नए बिजनेसमैन हैं उनको थोड़ा कम जानकारी होती है, उन लोगों के लिए ये वीडियोस काफ़ी मतलब जानकारी भरा होता है, ताकि उन लोगों को से गलती होने का चांस ज़्यादा रहता है।